नीदरलैंड को मिलने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जो खुलेआम मस्जिदों पर बैन की बात करते हैं, कुरान को गलत बताते हैं, मोदी शाह की नीतियों को सपोर्ट करते हैं, नुपुर शर्मा के इतने बड़े फैन हैं कि 57 मुस्लिम देशों को दी खुली चुनौती। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बाद अब नीदरलैंड में बुलंद हुआ सनातन का झंडा, क्या पूरी दुनिया बनने वाली है हिंदू राष्ट्र? जिन्हें हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र बनने के सवाल पर आपत्ति है, वो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अब नीदरलैंड के सनातन का झंडा बुलंद होने पर क्या कहेंगे, ये तो आप जानते ही हैं। जब से ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बने हैं, तब से वहाँ की पीएम आवास में घंटियों की गूंज सुनाई देती है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम भगवा उड़ने में हर्ज महसूस नहीं करते, लेकिन अब नीदरलैंड में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। वहाँ के खिलाड़ियों की जर्सी पहले से ही भगवा है और अब देश की सियासत भी भगवा में होने वाली है। दरअसल क्रिकेट वर्ल्ड कप में जैसे नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर उलटफेर किया, ठीक वैसे ही वहां के चुनाव में इस्लाम के घोर विरोधी नेता की पार्टी ने बम्पर सीटें पाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। जबकि इस पार्टी के सबसे बड़े नेता, या यूं कहें कि पार्टी फॉर फ्रीडम के मुखिया, इस्लाम के घोर विरोधी हैं। नुपुर शर्मा के बयान पर जब हिंदुस्तान में हंगामा मचा था, तब इसी नेता ने न सिर्फ ताल ठोंककर नुपुर शर्मा का समर्थन किया था, बल्कि 57 मुस्लिम देशों को खुली चुनौती भी दी थी। इन्होंने कहा था कि सच बोलना गुनाह नहीं है, अगर इसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। नुपुर के समर्थन में तब कई लोग खड़े हुए थे और आज नुपुर शायद इनके प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। लेकिन आप कहेंगे, ये नेता कौन है जो खुलेआम ऐसी बातें करता है और पीएम की कुर्सी तक कैसे पहुंचा? तो पहले वो सुनिए, फिर बताते हैं कि इनके प्रधानमंत्री बनने से भारत को क्या फायदा मिलने वाला है। नीदरलैंड में एक शहर है वेनलो। 6 सितंबर 1963 को वहीं गिल्ट वाइल्डर्स का जन्म हुआ था। जर्मनी सीमा से सटे इलाके में बचपन बीता, फिर कानून की पढ़ाई कर इजराइल गए, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम किया, फिर उट्रेच शहर की काउंसिल के मेंबर बन गए। इसके बाद सीधा सांसद बने, लेकिन लोकप्रियता नहीं मिली थी। ये वो दौर था जब नीदरलैंड में एंटी इस्लामिक हवा बहनी शुरू हो चुकी थी और इस विरोध को सबसे बड़ी मजबूती साल 2004 में आई एक फिल्म से मिली, जब मुस्लिम समाज की महिलाओं की फिल्म में आलोचना दिखाए जाने पर कुछ लोगों ने फिल्मकार थियो वैन गॉग को सीधा ऊपर भेज दिया। इस बात ने नीदरलैंड के लोगों में ऐसा गुस्सा भरा कि लोग सड़क पर उतर आए और इन लोगों की आवाज बने गिल्ट वाइल्डर्स। पर अभी सफर की शुरुआत हुई थी, अभी बाकी काम बाकी था। कोई भी पार्टी खुलकर इस्लाम का विरोध नहीं करना चाहती थी, इसीलिए साल 2006 में गिल्ट ने अपनी पार्टी बनाई, नाम रखा पार्टी फॉर फ्रीडम। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और असली विवादास्पद प्रसिद्धि तब मिली जब फितना नाम की फिल्म में इन्होंने कई विवादित चीजें दिखाई। यो वो दौर था जब कई मुस्लिम देशों ने इन पर बैन लगा दिया था, धमकियां मिलने लगी, ब्रिटेन ने इनकी एंट्री पर रोक लगा दी, बावजूद इसके वो खिलाफ बोलते रहे। इन्होंने कुरान हिजाब पर बैन लगाने, मस्जिदों को तुरंत बंद करने समेत कई ऐसी मांगें की जिससे सुनकर तुर्की गुस्से से लाल उठता है। मौलानाओं का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच जाता है, यहां तक कि नफरत फैलाने के आरोप में मामला कोर्ट पहुंचा, लेकिन आखिर में बरी हो गए। अब इनकी पार्टी ने चुनाव में एग्जिट पोल के मुताबिक 150 में से 35 सीटें हासिल की हैं, जो किसी भी पार्टी की ओर से सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर ये सरकार बना सकते हैं, लेकिन इसी के साथ सवाल ये भी है कि क्या गिल्ट के प्रधानमंत्री बनने के बाद नीदरलैंड के करीब 1.5 लाख मुसलमानों को आवाज नहीं उठाने दी जाएगी, या फिर बाहरी मुस्लिम की एंट्री बैन होगी। गिल्ट ने चुनाव से पहले कहा कि हम इस तरह के कई नियम बनाएंगे। गिल्ट ने कुरान और मस्जिद पर बैन की मांग की थी। पार्टी फॉर फ्रीडम के घोषणा पत्र में भी ये साफ साफ लिखा था कि हम बैन लगाएंगे, तो क्या नीदरलैंड में बवाल बढ़ेगा? तो सवाल है कि क्या नीदरलैंड इस तरह का बैन लगाने वाला पहला देश बनने वाला है? दुनिया में हर किसी को अपना धर्म मानने की आजादी है, ऐसे में किसी भी देश का प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कर सकता है? ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि नीदरलैंड में गिल्ट के प्रधानमंत्री बनने के बाद कई बड़े बदलाव आने की गुंजाइश साफ साफ दिखाई देती है। हालांकि एक पद पर पहुंचने के बाद व्यक्ति की जिम्मेदारियां बदल जाती हैं, इसलिए जानकारों को उम्मीद है कि गिल्ट भी कई बड़े नेताओं की तरह सॉफ्ट रुख अपनाएंगे। हालांकि असल सवाल यही है कि क्या दुनिया सनातन विचारधारा को स्वीकार करने की ओर आगे बढ़ रही है? इस तरह की चुनावी नतीजे जो एग्जिट पोल से आए हैं, उन्हें देखने के बाद हर दिग्गज यही सवाल खुद से पूछ रहा है। अगर गिल्ट नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो फिर भारत कई बड़ी डील आसानी से कर सकता है, क्योंकि गिल्ट मोदी शाह की नीतियों से कई बार गदगद दिखते हैं। ऐसे में इनके प्रधानमंत्री बनने पर आप क्या कहना चाहेंगे, कॉमेंट में बताएं।